So hello, myself Debargo Chakraborty and I hope that you are all doing good and welcome you all in this प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा चैनल नोटबुक। तो क्या हाल चाल भाई, काम हो रहा है? तो भाई काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, ठीक है। कोई भी एक काम उठा ले, लेट इट बी एक्स काज, वाई काज, बा जेड काज, जेको एक काज कर भी किंतु से काज कन्सिसटेंट थक। तो काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है भाई लाइफ में, बार बार बोलूँगा काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में, ठीक है। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा है, वो चैप्टर का जो नाम है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पहले हम लोग रेशियो करेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद प्रोपोर्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन तेरा हो जाएगा क्या, धासु। चल तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन लेट्स स्टार्ट। पहले रेशियो से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रेशियो? रेशियो इज नथिंग बट इट इज अ रिलेशन बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल, बट रिलेशन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज। भाई मैथ्स को बोलना सीख, क्या बोलना सीख, मतलब मैथ्स को प्यार करना सीख, ठीक है। मैथ्स को बोलना सीख क्या, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। तो मैथ्स तेरे को क्या बोलेगा, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, ठीक है। तो तू जब मैथ्स को बोलेगा तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, मैथ्स भी तेरे को क्या बोलेगा, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, ठीक है। पर जब तू उसको बोलेगा, मतलब किसको, उसको बोलेगा तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, वो तेरे को क्या बोलेगा, वो है तो मुझे तुझको और नहीं चाहिए, वो है तो मुझे तुझको और नहीं चाहिए। तो मैथ्स को बोल तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, ठीक है। प्यार करने सीख मैथ्स को, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। चल तो रेशियो क्या है, इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज, ठीक है। इट इज अ रिलेशन बिटवीन टू सेम क्वांटिटीज एंड ये एक फ्रैक्शन में लिखा जाता है। टू सेम क्वांटिटीज मतलब अगर तेरा एक ए एक क्वांटिटी है, ठीक है, एंड बी इज अनदर क्वांटिटी, वो जो क्वांटिटी होगा वो क्या होगा भाई, सेम होगा। वो जो क्वांटिटी होगा वो सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं होगा तो वो रेशियो का फॉर्म में नहीं लिख जा सकता है। रेशियो का फॉर्म क्या है, फ्रैक्शन। तो वो ए एंड बी जो दो क्वांटिटी है वो ए बाई बी में लिखा जाएगा, क्योंकि रेशियो एक फ्रैक्शन का फॉर्म में है। अच्छा, इसको हम लोग ए इज टू बी, क्या क्या इसको कहलाता है, इज टू, तो ए इज टू बी भी बोलूंगा। तो ए इज टू बी इट इज अ फॉर्म ऑफ रेशियो, ठीक है। इधर बी तेरा इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोलूँ बी बाई ए तो इधर ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि इन मैथमेटिक्स, इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, इन द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स अगर डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो वो अनडिटरमाइंड बनता है, ठीक है। अनडिटरमाइंड क्या है पढ़ेंगे भाई, क्लास 12 में लिमिट का एक चैप्टर है, मैं पढ़ाऊंगा भाई, टेंशन का कोई बात नहीं है। चल तो ए बाई बी, इधर बी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, तो अगर ये बी बाई ए होगा तो ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये एक रेशियो का फॉर्म होगा, ठीक है। जिधर ए एंड बी शुड बी ऑफ सेम क्वांटिटी, अगर ये सेम नहीं होगा तो ये रेशियो का फॉर्म में नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, समझ में कुछ, चल भाई। तो अब ये जो ए है, ये जो बी है, समझ दे भाई, चल। ये जो ए है, ये जो तेरा ए है बाई बी है, मतलब ए इज टू बी है, ठीक है। ए को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म और इट कैन बी कॉल्ड एज एंटीसीडेंट। अबे यार, एंटीसीडेंट, ठीक है। एंड बी इज द सेकेंड
term and it can be called like consequent. ठीक है ठीक है. And obviously over here b should not be equal to zero. b should not be equal to zero. a and b ये जो दो numbers होगा ratio लिखने के लिए, ये जो दो numbers और कोई भी एक चीज है ठीक है, इधर numbers ही होगा. a and b should be in their lowest term. should be in their lowest term. मतलब जब तू a and b का HCF करेगा ना, तब तेरा 1 आना चाहिए ठीक है. मैं अगर बोलूँ 5:2, मैं अगर बोलूँ 5:20, इसका लोएस्ट टर्म क्या है भाई बोल, 1:4. मतलब 5:20 मतलब 5/20, तो 5 को मतलब 20 को 5 से तोड़ दे, क्या आएगा 4 एंड न्यूमरेटर में 1, तो 1:4 ये 5:20 का लोएस्ट टर्म होगा. एंड इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या आएगा भाई, 1 आएगा. तो रेशियो हर बार एक लोएस्ट टर्म में लिखा जाता है. आया समझ में, आया समझ में, चल भाई आ गया. तो रेशियो एक हर बार एक लोएस्ट टर्म में लिखा जाता है, मतलब उसका जो HCF होगा, वो जो दो टर्म का जो HCF होगा, वो एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट का जो HCF होगा वो क्या आएगा भाई, 1 आएगा. आया समझ में कुछ, वो क्या आएगा भाई, 1 आएगा. चल अब तू अगर ए और बी को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर, ए एंड बी को एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर. वीडियो हो रहा है तो भाई सुंदर वीडियो हो रहा है. ए एंड बी को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेगा एक्सेप्ट जीरो, तो वो जो रेशियो है वो क्या होगा, वो अनचेंज्ड रहेगा. सपोज यू आर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग दिस रेशियो विद द सेम नंबर एंड दैट इज 5 ठीक है. तो तेरा क्या आया, 5a/5b, इधर से 5 कैंसल्स, तो a:b तो आया, a/b तो आया. तो अगर तू a और b एक रेशियो को सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करता है, आई एम लिटिल वीक इन हिंदी, सुधर जाऊंगा भाई, ये जो जर्नी है सुधर जाऊंगा भाई ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए, सुधर जाऊंगा ठीक है. तो मैं क्या बोल रहा था, इफ यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ठीक है, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, इफ यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट विद द सेम नंबर, यू विल गेट नो चेंज इन द रेशियो. आया समझ में भाई. तो रेशियो क्या होता है, रेशियो का हालचाल क्या होता है, ये तेरे को समझ में आ चुका है भाई ठीक है. रेशियो का बिहेवियर क्या होता है, ये तेरे को समझ में आ चुका है भाई. अब देख कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियो क्या क्या होता है, देख भाई क्या क्या होता है भाई. एक होता है कंपाउंडेड रेशियो, क्या होता है भाई कंपाउंडेड रेशियो, जब एक रेशियो है और एक अनदर रेशियो है, दो रेशियो को मल्टीप्लाई जब तू करेगा तब एक कंपाउंड रेशियो बनता है. जल्दी कह लेते हैं भाई, सपोज देयर इज अ रेशियो a:b एंड देयर इज अ रेशियो c:d, तो a:b का मतलब क्या है, a/b, एंड c:d का मतलब क्या है, c/d. जब तू इसको मल्टीप्लाई करेगा, जब दो रेशियो को मल्टीप्लाई करेगा, तब तेरा क्या आएगा, ac/bd, मतलब क्या आएगा, ac:bd. ये तेरा क्या है, ये तेरा कंपाउंडेड रेशियो है भाई. आया समझ में भाई. हाँ भाई आ गया समझ में. अब इसका एक्सटेंशन कुछ है कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियो में, वो क्या है देख ले भाई, क्या है भाई देख, डुप्लीकेट रेशियो क्या है भाई, डुप्लीकेट रेशियो. सपोज देयर इज अ रेशियो a:b,
उधर से एक और ए इज टू बी रेशियो आया। क्या आया? ए इज टू बी रेशियो उधर से आया। तो ये क्या है? ए बाई बी है। ये क्या है? ए बाई बी है। इसको मल्टीप्लाई कर, ये क्या आएगा? ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। ये क्या है? ये एक तरह डुप्लीकेट रेशियो है, मतलब ये कॉम्पाउंडेड रेशियो है, इसको डुप्लीकेट रेशियो भी बोला जाता है। अच्छा, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या? ट्रिप्लीकेट रेशियो वो क्या है? ए इज टू बी है, ठीक है, ए इज टू बी, ए इज टू बी उधर से आ गया। तो ए बाई बी, ए बाई बी, ए बाई बी मल्टीप्लाई कर ले भाई, ए क्यूब बाई बी क्यूब, मतलब ए क्यूब इज टू बी क्यूब। ये तरह क्या है? ये तरह एक ट्रिप्लीकेट रेशियो है। आया समझ में? आया समझ में? हाँ भाई, आ चुका है। वीडियो हो रहा है तो भाई बहुत इनसिक्योरिटी फील होता है वीडियो लेकर। चल 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 चल, इसके बाद है, इसके बाद है, इसके बाद क्या है? इसके बाद है सब डुप्लीकेट रेशियो। क्या है भाई? सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है भाई, बोल क्या होता है? सब डुप्लीकेट रेशियो जब ए मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए, जब तेरा स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए नहीं, जब तेरा ए इज टू बी है, सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है? सब डुप्लीकेट रेशियो क्या है भाई? ए इज टू बी है, ठीक है, ए का ऊपर स्क्वायर रूट लगा दे एंड बी का ऊपर स्क्वायर रूट लगा दे, मतलब ए का ऊपर हाफ लगा दे एंड बी का ऊपर हाफ लगा दे, ये जो तेरा रेशियो होगा ये तेरा सब डुप्लीकेट है। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए बाय स्क्वायर रूट ऑफ बी, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ए इज टू स्क्वायर रूट ऑफ बी, ये जो चीज आया ये तेरा क्या है? सब डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। ऐसे ही सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होता है? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होता है भाई? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होता है भाई, बोल भाई क्या होता है? अरे भाई, ए इज टू बी है, ए का ऊपर क्यूब रूट लगा दे एंड बी में क्यूब रूट लगा दे, वो तेरा क्या होगा? वो तेरा क्या होगा? सब ट्रिप्लीकेट रेशियो होगा। आ समझ में? तो ये सब चीज़ है, ये सब कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियो है, असली क्या चीज़ है? कॉम्पाउंडेड रेशियो, उधर से ये सब आते हैं। चल अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे। रेशियो का पूरा फंडा क्लियर हो चुका था, हो चुका है, सॉरी हो चुका था नहीं, हो चुका है, ठीक है। चल कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज टू 3x प्लस 5y, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 18 इज टू 29, ठीक है, 18 इज टू 29। तो यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड x इज टू y। कैसे निकलेगा? वीडियो पॉज कर, ट्राई कर, उसके बाद आना, ठीक है, वीडियो पॉज कर, ये हैबिट बना। जब मैं क्वेश्चंस लिखूंगा बोर्ड में उसके बाद वीडियो को पॉज करना है, ट्राई करने का, उसके बाद आना है, ठीक है। तो 2x plus 3y is to 3x plus 5y, that is equals to 18 is to 29। तो ये वाला क्या है? ये वाला है 2x plus 3y is to मतलब by 3x plus 5y, that is equals to 18 by 29। अरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले, हो जाएगा। तो 29, 2x plus 3y, that is equals to 18, 3x plus 5y।
तो 2 9 18, 2 4 5 58x प्लस 3 9 27, 3 6 7 8 87y, दैट इज इक्वल्स टू 3 8 24 3 54x प्लस इधर आएगा 5 8 40 5 9 5 6 7 8 9 90y. तो इधर से 4x दैट इज इक्वल्स टू 4x दैट इज इक्वल्स टू 3y. तो x बाई वाई दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा बोल, 3/4. तो जो x इज टू वाई का वैल्यू है वो क्या आएगा, 3:4 आएगा. किसका आ गया था, आया था? अरे भाई ट्राई नहीं किया था, हट, ऐसे नहीं होगा भाई, ट्राई करने का है. वीडियो हो रहा है तो भाई, वीडियो हो रहा है ना, सुंदर वीडियो हो रहा है. चलो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, x इज टू वाई दैट इज इक्वल टू 2:3, x इज टू वाई दैट इज इक्वल टू 2:3. ठीक है, फाइंड 3x प्लस 2y इज टू 2x प्लस 5y. ये तेरे को निकालना है. ठीक है, x by y that is equals to 2:3, मतलब x by y that is equals to 2/3 final. चल ट्राई कर, हुआ चला. तो x by y that is equals to 2/3. अच्छा इसका मैं दो मेथड दिखाऊंगा. ठीक है, तो तेरे को क्या फाइंड करना है, 3x प्लस 2y बाई 2x प्लस 5y. ठीक है, तो देख भाई, तू जब इधर से न्यूमिरेटर से y कॉमन लेगा तो क्या बचेगा, 3x बाई वाई प्लस 2 बचेगा ना, y y कैंसिल होकर 3x प्लस 2y. इधर से जब तू y को कॉमन लेगा तो क्या आएगा बोल, 2x by y plus 5. ठीक है, तो y y get cancel, x by y का वैल्यू इधर है 2/3. सो 3 × 2/3 plus 2 by 2 × 2/3 plus 5. तो इधर से 3 and 3 get cancel, ऊपर आएगा 4 और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 4/3 plus 5. तो 4 by नीचे 3, 4 प्लस 15, तो 12:19 इज द आंसर. 12:19 इज द आंसर. ठीक है, किसका आया था भाई, किसका आया था, तो 12:19 इज द आंसर. नाउ व्हाट इज द अदर मेथड, एक काम कर, इधर से x का वैल्यू निकाल ले. तो x क्या आएगा, 2y/3. ठीक है, तो x का जगह में 2y/3, x का जगह में 2y/3 पुट कर ले. तो 3 × 2y/3. ठीक है, प्लस 2y और नीचे क्या आएगा, 2y/3 प्लस 5y. तो इधर से 3 and 3 गेट कैंसिल, ऊपर आएगा 4y और नीचे क्या बोल, अरे भाई बोलना, 4y/3 प्लस 5y. तो ये जब तू सॉल्व करेगा, चलो सॉल्व में कर ही देता हूँ, 4y/, नीचे ये 3, 4y प्लस 15y, तो ये ऊपर जाएगा, तो 12y/19y. तो y एंड y गेट कैंसल्ड, सो तेरा आंसर क्या आ रहा है, 12:19. आया ना समझ में? हाँ भाई पूरा समझ में आ गया है. चल उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तेरा? हाँ चल, a is to b दैट इज इक्वल्स टू 5:3. ठीक है, फाइंड 5a + 8b. ठीक है, इज टू 6a - 7b. ठीक है, देखो
a is to b, that is equals to 5 is to 3. Find 5a plus 3b, ठीक है, is to 6a minus 7b. सेम ही तो सम है भाई, वैसे ही कर लेना. एक काम करना, ट्राई कर, कमेंट करेगा, ठीक है, सेम ही सम है. मैं और नहीं कर रहा हूँ, सेम ही सम है. ट्राई करके कमेंट में लिख के आया, मैं उधर फर्स्ट कमेंट को अप्रिशिएट करूँगा. चल, तो इसके बाद जो क्वेश्चन था वो क्या था, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, वो क्या रेशियो है, 3:5, ठीक है. इफ एट इज एडेड टू इच नंबर, ए नो डॉट का मतलब है नंबर, ठीक है, टू इच नंबर द रेशियो बिकम्स 2:3, ठीक है. फाइंड द नंबर्स, तो क्या करना है, फाइंड द नंबर्स. ऐसे सवालों में ना, जब तेरे को बोला है फाइंड द नंबर्स एंड द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, तेरे को क्या करना होगा, तेरे को लेट द टू नंबर्स आर 3x एंड 5x. 3:5 में है दो नंबर्स, क्या है, 3x एंड 5x. आया समझ में, 3x एंड 5x. इफ 8 इज एडेड टू ईच नंबर, तो 3x प्लस 8 एंड इधर से 5x प्लस 8, ठीक है, ईच नंबर से 8 ऐड हो रहा है, ठीक है. द रेशियो बिकम्स 2:3, इसका जो रेशियो हुआ वो 2:3, मतलब ये भी रेशियो में है ऑब्वियसली. तो 3x plus 8 is to 5x plus 8, that is equals to 2:3. अब कर ले भाई खुद से, 3x plus 8 by 5x plus 8, that is equals to 2/3. चल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3x 9x plus 3 is 24, 10x plus 16x, ठीक है. क्या कर रहा है, 16x क्यों आएगा, 16 आएगा ना, तो इधर से माइनस एक्स, दैट इज इक्वल्स टू 8, हाँ माइनस 8, सो माइनस माइनस इट कैंसिल, तो एक्स का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आएगा, 8 आ रहा है. अब मैं दो जो नंबर्स था वो 3x एंड 5x लिया था, तो 3 × 8 होगा एंड 5 × 8 होगा, 3 × 8 is 24 and 5 × 8 is 40, सो 24 एंड 40 आर दी टू नंबर्स. आया समझ में, 24 एंड 40 आर दी टू नंबर्स, ठीक है. मैं भाई ऐसे ऐसे सवाल ले रहा हूँ ना भाई, इसके बाहर कुछ नहीं आ सकता है, ठीक है. ये सब मैं एक बंगाली स्पीकर हूँ, मेरा हिंदी थोड़ा खराब है, ठीक है. चल, तो मैं ऐसे ऐसे सवाल ले रहा हूँ, मतलब ऐसे ऐसे टाइप्स ले रहा हूँ, ये जो टाइप्स तू करेगा हो जाएगा. चल, अबे यार माई क्लास डजंट एंड्स विदाउट फॉलिंग चॉक. वाह, क्या इंग्लिश बोला मैं. चल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए एक चीज तेरे को सीखना पड़ेगा, वो है इंक्रीज, उसका आगे वीडियो हो रहा था भाई, हाँ सुंदर, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रेशियो, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रेशियो, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रेशियो. सपोज तू एक अंकल का पेन का दुकान है, उधर गया, ठीक है, उसको बोला अंकल मेरे को एक पेन दीजिए, तो ये है तेरा एक पेन, लिंक का पेन है, ठीक है. अंकल को बोला है अंकल मेरे को एक लिंक का पेन दीजिए, अंकल तेरे को दिया, ठीक है, और बोला मेरे को 10 रुपया दो, ठीक है, 10 रुपया दो, ठीक है. तू अंकल को बोलेगा, मतलब बोलेगा अंकल ये जो पेन था इसका तो कीमत
5 रुपया था। तू इधर खड़ा हुआ है, तू अंकल को बोल रहा है ये जो पेन का कीमत है वो ₹5 का है, ठीक है? तब अंकल तेरे को क्या बोलेगा, ये 5 का था अब ये 10 का हो गया है, मतलब ये 5 रुपया का था अब ये 10 रुपया बन चुका है। तो ये 5 रुपया था ये 10 रुपया हो चुका है, मतलब 5:10, मतलब ये इंक्रीज हुआ 5 से 10, ये इंक्रीज हुआ 5 से 10, ये इंक्रीज हुआ क्या 5 से 10। सो इंक्रीज्ड क्वांटिटी कैसे निकलेगा 10/5 इंटू दी ओरिजिनल इंक्रीज्ड प्राइस लिखता हूँ इधर, ठीक है? इंक्रीज्ड प्राइस और इधर ओरिजिनल प्राइस 10/5, तो 10/5 इंटू जो ओरिजिनल प्राइस क्या था वो 5, तो 5 गेट कैंसिल, सो द इंक्रीज्ड प्राइस क्या है तेरा 10 है। आया समझ में भाई? ऐसे ही डिक्रीज में होता है। तो इन जनरली अगर मैं तेरे को बोलूँ ये पेन का जो प्राइस है वो ए है अभी इंक्रीज्ड प्राइस, तू जाकर बोला ये तो बी था, तो ये 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 बी से ए हुआ, मतलब बी से इंक्रीज होकर ए हुआ, तो इंक्रीज क्या होगा वो ए बाई बी इंटू ओरिजिनल प्राइस। तो ए बाई बी इंटू ओरिजिनल प्राइस क्या था बी, बी वी गेट कैंसिल, सो बी वी गेट कैंसिल, हट यार तू भी, बी वी गेट कैंसिल, सो द इंक्रीज प्राइस क्या है। आया समझ में? एक क्वेश्चन कर आसानी में, आसानी से हो जाएगा, ठीक है? मेरा हिंदी उतनी अच्छी नहीं है भाई, बट माई कॉन्टेंट इज गुड। चल क्वेश्चन क्या है, फेयर ऑफ द जर्नी ऑफ एन एयरलाइनर वॉज इंक्रीज इन द रेशियो 5:7, सो फेयर of the journey was increased in the ratio 5:7. The cost of the ticket for the journey, the cost became ₹1421. Okay. Now find the increase in the fare. So find increased fare. The fare of the journey was increased in the ratio 5:7. The cost became ₹1421. Find increased fare. Let original price be x, original price be x, अब इसका price क्या है 1421, so ये x से 1421 इंक्रीज हुआ है, मतलब x is to 1421, ये original price, ओरिजिनल जो होगा वो हर बार लेफ्ट में रहेगा और जो इन ओरिजिनल होगा वो हर बार राइट में होगा, x is to 1421, ठीक है? दैट इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा, जर्नी इंक्रीज इन द रेशियो 5:7, मतलब 5:7। आया ना समझ में? टेक्निक समझ में आ रहा है ना, फील आ रहा है तो हो जाएगा। तो x/1421 दैट इज इक्वल्स टू 5/7, इधर से x क्या होगा 5 into x क्या होगा 5 into 1421 by 7, ठीक है? तो इधर से 7 to the 14 0 3, तो x का वैल्यू क्या आएगा 3 5 is 15, 3 to the 0 1, 5 to the 10, ठीक है? 5 to the 15, 5 to the 0 1, एंड 5 to the 10, तो x हुआ 1015। ये तरह क्या हुआ, ये तरह ओरिजिनल जो फेयर था, ठीक है? इधर ओरिजिनल जो फेयर था, तेरे को बोला है फाइंड इंक्रीज्ड फेयर,
तो 1421 माइनस 1015, ठीक है 1015 मतलब तेरा इंक्रीज्ड फेयर से माइनस ओरिजिनल फेयर करेगा, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सिक्स 406, तो 406 तेरा इंक्रीज्ड फेयर है। सो इसके साथ मैं कंक्लूड करूँगा तेरा रेशियो जो चैप्टर है, मतलब रेशियो जो टॉपिक है वो तेरे को पूरा अच्छे से हो गया है, ठीक है। इसके बाद प्रोपोर्शन लाऊंगा, ठीक है, एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो डर था वो टाटा, बाय बाय, सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर।